भाई यार इतनी अच्छी धूप में गंदी शकल आ रही है, देखियो लाइन से अलग चेयर पे बैठा के इसको भंडारा खिलाया, वो भी एक पूरी खा के आ गया, पर इसने है ना मीठा खाया, मीठा एक चम्मच, एक चम्मच थोड़ा है क्या, क्या राज है भाई, लाली आ रही चेहरे पे भाई, भाइयों का प्यार ऐसे ब्लॉग में लेते रहे तो अरे बिल्कुल जवान हो जाएंगे कि अपना जिम दिखाऊंगा तुम्हें पूरा याद, ये जिम तुमने देख लिया अब वो जिम दिखाऊंगा तुम्हें, आप कमेंट करके बताना कैसा रहा, ठीक है, किसका अच्छा है, किसका अच्छा है। गाइस राणा उठा रहा है मरा हुआ कबूतर, ये मारा गोपाल ने, पक्का मैंने नहीं मारा, तेरे घर के नीचे गिर रहा था मैंने मार दिया, गोपाल ने मारा, ओ तेरे उठा लिया, जब जाओ ना तो इसको लेते हुए जाना, मैंने भी बोला था लेकिन ले जाना, हेलो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपके मेरे को नए व्लॉग में। आना भी मैं बस घर वालों को जरा मंदिर छोड़ने आया हुआ था क्योंकि पापा का मन नहीं था मंदिर आने का, एंड मैं नहाया नहीं तो इसलिए मैं अंदर गया नहीं, मम्मी और बहन जा रखी है अंदर, पूजा करके आएगी फिर उनको घर छोड़ के आऊंगा, ड्राइवर तो बना ही रखा है एक गाड़ी का, सीख लो बस इधर लेके चल उधर लेके चल, लड़कों का तो यही होता है तुम्हें पता ही है। आज जिम सुबह सुबह नहीं जा पाया क्योंकि नींद ही नहीं खुली अच्छे से, एंड तब से सागर और रवि के इतने फोन आ गए जिम आ, अब इतने में मैं तो फिर सो ही रहा था, मैंने कहा छोड़ यार शाम में देखेंगे, तो अब चल पहले यहाँ से मम्मी को घर छोड़ते हैं और फिर निकलते हैं कहीं हम। तो गाइस तुम्हारे भाई ने बाल कटवा लिए एंड रेडी हो चुका है, अब हम जाएंगे राणा के घर, बस मम्मी डांटे ना, और मम्मी हमारी लग रही है वहाँ फोन पे, एंड तमन्ना यहाँ मूवी देख रही है, क्या देख रही है भाई, क्या देख रही है, सोफे को ही बेड बना रखा है इन्होंने, ऐसे है ये बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, छोटे लोग, मैं नहीं हूँ ये, ठंड तो है गाइस। अब हम जा रहे हैं राणा के निकलते हैं, सागर है नई यूनिवर्सिटी अपने, तो बेचारी को आज हम छोड़ते हैं यहीं पे, कम नहीं छोड़ता गाइस, मेरा प्यारा पिल्ला है ये, ऐसा चाटा पड़े भगवा करके देखो बहु पीना, चलो गाइस राणा से मिलाते हैं, अब चले राणा के घर चलेंगे हम, क्या अच्छा लग रहा है आज मैं भाई मिल चुके हैं मैं वापस, भंडारा खा के आ रहे हैं बढ़िया एकदम वहाँ से, और भाई कैसे बढ़िया भाई, और बस बढ़िया भाई, गोपाल भाई बहुत बढ़िया खाना चल रहा है और प्रसाद लियो, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये रहा अपने साथ राणा भाई है, मंजीत भाई उनका जन्मदिन है, अच्छा अच्छा, उसके उपलक्ष्य में वो मुकेश शर्मा जी बुला रखे थे, अच्छा अच्छा, ये भी गए हैं वो टिकट के दावेदार है गुड़गांव से, अच्छा अच्छा, तो भाई खाना जो भंडारा चल रहा है, चलो फिर राणा बैठो, मैं देख ही लूंगा, हां ये रवि राणा है भाई, ये भी उभरते हुए स्टार है, देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है, ठीक है भाई ओके ओके, ये देखो मेरे को कह रहा मेरे को नहीं खाना मैं नहीं जाऊंगा, मैं कह यार मेरे साथ तो चल दे, चल मैं खा लूंगा, तो भाई इसमें से मैंने ये तोड़ा है और ये खा भी चुका है, कैमरे के सामने तो खाई दो पूरी ली थी उसमें से आधी बच रही है, एक तो फिर आधी बच रही है ना, तो खा तो रहा है, तूने क्या बोला था, दो बाइट खाई है, डाइटिंग पे हूं भाई, हाँ, देख रहे इसके साथ, हाँ, हाँ, गवाह साथ में देखियो भाई, 15 पूरी मैंने खाई है, देख लो फिर भी आपसे दिखा दूंगा मैं, इतनी अच्छी धूप में गंदी शकल आ रही है, देखियो लाइन से अलग चेयर पे बैठा के इसको भंडारा खिलाया, वो भी एक पूरी खा के आ गया, पर तो क्या नाचो मैं इसने है ना मीठा खाया, मीठा एक चम्मच, एक चम्मच थोड़ा है क्या, इसका वेट फिर से बढ़ जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, जबरदस्ती लेके आया ये मुझे खाने, जबरदस्ती लेके आया, सबसे पहले प्लेट उठाई है इसने, तूने कहा भाई प्लेट उठा, तूने कहा प्लेट, अरे भाई इतनी अच्छे से खिला रहा हूँ वरना लाइन में खड़ा करता रहा तो, ना तो, खिला रहा तो चेयर पे नहीं बिठाया, अगर मेरे बजाय मैं नहीं होता तो तेरे को अंदर घुसने देते, हो बता बता, सही कह रहे हैं, बता और क्या, बिल्कुल घुसने देते, जाके दिखा, मैं फोन कर रहा हूँ एक से, मतलब यार अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं, हवा बना ले, हवा नहीं यार भाई, प्रूफ के साथ ये भैया हवा चल रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, ब्लॉगिंग अच्छी है, वो सतीश भैया बैठे हैं, ये पकड़े गए भाई भंडारा खा के चाय, गोपाल भंडारे के बाद चाय अच्छी लगती है, उल्टा घुमा के लाया आपकी चाय में, बढ़िया हो गया, चेहरे पे ग्लो आ रहा है, पूछिए और आज कुछ क्या राज है भाई, लाली आ रही चेहरे पे भाई, भाइयों का प्यार
ऐसे ब्लॉग में लेते रहे तो अरे बिल्कुल जवान हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कुछ बोलना चाहेगा गोपाल? ना ना बस भाई, भाई से मिलने तो वही दिल खुश हो जाता हमारा तो। बस बस भाई माल है। देखो इसको KTM पे। आजा आजा बैठ। और भाई क्या हाल है? हाल बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया। बाइक का दोनों ने इंडिकेटर तोड़ दिया लगवाने। मैंने नहीं तोड़ा। इन दोनों ने इंडिकेटर तोड़ दिया। मैंने कब तोड़ा? बता। मैं तो चलाता ही। मैंने कब तोड़ बताइए? तू नहीं चलाता? कभी कभी चाबी छुपाऊंगा भाई मैं। इसको पता है कि मैं चाबी फ्रिज में पड़ी रहती है, आएगा। अरे इसको पता है सब। मैं तो जा रहा हूँ। अपनी है, सबको बता दी ना, फ्रिज पे रहती है, मैंने छुपा दी है। मैं तुरवेरा क्यों गया था? मैंने बता दी थी मुझे, सागर आ गया। रोमांटिक रोमांटिक मौसम हो रहा है। हमारे पास तो खैर है नहीं कोई, हम तो ऐसे चले जाते बस, क्या करे। और भैया क्या हाल है? आओ तुम्हें वीडियो में लूंगा आज मैं, कल तुम भी यूट्यूब पे आओगे फिर। क्या हाल है? बस बढ़िया लगा। ये भैया बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत हेल्प करते हैं हमारी, जब देखो तब काम कर, जो भी काम बोले एक मिनट में कर देते हैं भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होती। और भैया ठीक हो? और सब बढ़िया लगा। सब बढ़िया। नाम वाम तो बता दो अपना। हर नाम सिंह शर्मा भी दो थोड़ा अब। हर नाम सिंह। अच्छा और ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मौज करो। भैया सिगरेट पी के आ रहे, बदबू आ रही है। बीड़ी भी है। ठीक है गाइस, जम जम जम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्यों छुपाना? पिए तो पिए। अब चल रहे राणा के जिम में, राणा से एयरपोर्ट लेके थोड़ी देर वहीं पर रुकेंगे और फिर जब सागर आएगा तो अपने जिम चलेंगे। गाइस बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम सागर और राणा एक जिम में क्यों नहीं आते, अलग अलग में क्यों जाते हो? तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि राणा का जिम है बेसमेंट में एंड वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब छोटा नहीं, मतलब ठीक है उसके हिसाब से, उसको तो सही लगता है, वो अंडरग्राउंड है, उसमें थोड़ी सफोकेशन भी होती है। पर राणा ने वहाँ ले रखी है तो अपनी वो पहले मेंबरशिप ख़त्म करेगा फिर हमारे में आएगा, ऐसा कह रहा था। जो कि उसकी मेंबरशिप अभी ख़त्म होने में टाइम है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा जल्दी से। बहुत लोग कहते हैं कि तू हमारे से जिम में क्यों नहीं होता, हमारे जिम में सागर में अलग करते, तू अलग करता है। मेरा जिम अच्छा है, इनका जिम देखना और मेरा दुकान। इसका जिम देखो गाइस, ये है राणा का जिम, जो इसकी मेन एंट्रेंस वहाँ है। एंड ये हमारे कोच साहब। और ये इसका डांस वाला एरिया है और ये इसका वेट्स है। एंड ये अपना जिम दिखाऊंगा तुम्हें पूरा, याद ये जिम तुमने देख लिया, अब वो जिम दिखाऊंगा तुम्हें। कमेंट करके बताना कैसा रहा। ठीक है, किसका अच्छा है, किसका अच्छा है। मेंबरशिप कब तक की है? मेंबरशिप चुप रहे हैं, सुन लेंगे। तो हमारे में कब तक आएगा तू? मैं नहीं आ रहा। नहीं यार, पर चिल्ला मत दे, नहीं बता। ठीक है, पूरी एंड ये अपनी ट्रेडमिल्स वाला एरिया एंड वहाँ पूरा दूर तक एक्सरसाइज का एरिया है एंड इधर पूरी मशीन्स है। ठीक है, अच्छा गाइस बता दीजिए अच्छा कौन सा। ठीक है, खुश देख लो गाइस एक और बार। फिर से डलवाए? तूने अच्छे से ली नहीं, बाहर से। बाहर से क्या, मैं अपनी बाहर से ले रहा हूँ। गाइस वर्कआउट डन, अब जा रहे हैं घर। बहुत ही सेक्सी वर्कआउट हुआ। अरे कहाँ रोक दी? एक अंगूर खाऊंगा। अरे एक अंगूर खा। अरे ये क्या यार, घर पे अंगूर रखे, खाने का मन ही नहीं करता। पास आते ही ये भी सही है भाई, पूछ ले भाई से। भाई कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोल ले तो दे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। एक चीज और बताऊं, तेरे से दिक्कत हो सकती है, मेरे से दिक्कत नहीं। बोल ही रहा उसने। अरे हवन क्यों बजा रहा है? देखिए तेरे से दिक्कत हो सकती है, मेरे से दिक्कत नहीं। दिक्कत है भाई? ना भाई ना यार। ठीक है फिर, ठीक है चल भाई, चल घर निकल। अब राणा के घर जाएंगे आराम से। और मोटा ने ले रखी है KTM। राणा उठा रहा है मरा हुआ कबूतर। ये मारा गोपाल ने है। मैंने नहीं मारा, तेरे घर के नीचे गिर रहा था, मैंने मार दिया। गोपाल ने मारा, उठा लिया। सुनना, जब जाओ ना
तो इसको लेते हुए जाना। भी बोला था लेकिन ले जाना। ओ दूधिया आ गया एक मेरा यार दूधिया एक नंबर का क्यूट। अरे राणा बाहर फेंक देना डस्टबिन में इतना चलो गए तो आजा अरे कुत्ता ना डाले फेंक देगा ये भी। अरे यार जब जाते हो रिया थोड़ा सा पैर से अच्छी जगह। क्यों चिल्ला रहा था भाई क्यों चिल्ला रहा था ये हमारा दूध वाला है। अरे भाई यार हट जा कभी भी छुट्टी कर लेता है तो इसका क्या किया जाए बता। यहां देख क्या किया जाए मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बता। अरे भाई दूध वाला हमारा शरीर है हुक्का पीता है सोई बीड़ी पीता है। अरे बाल गांजा पीता हूँ हाँ पीऊंगा भाई शादी वादी होगी ना आजा आजा चल जान दे 20 भैंस है भाई के पास। अच्छा जी का करोड़पति आदमी। ओह माय गॉड शक्ल तो दिखाओ करोड़पति। शक्ल भी लिखा होता है करोड़। ना ना तो भाई भाई की शक्ल भी तो देखनी तो पड़ेगी ना भाई ब्लॉग में दिखानी अभी तक भाई कैसे कर रहा है करोड़ चल ठीक है ओके। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चल ठीक है भाई बाय। ना उल्टा काम रहा है अच्छे से बाय बाय। दिक्कत ना है कोई दिक्कत हो तो कॉल मी। ठीक है भाई ठीक है नवीन भाई आप थोड़ा ध्यान से चला करो। चल ठीक है ओके तो गाइस घर आ गए थे ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गुड नाइट।